हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एमडी टेक के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग आप लोग के लिए आगे एक और नया प्रोडक्ट जो कि है अमेज़फिट DT S2। और मैं जानता हूँ कि ये आप काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, बट ये जो प्रोडक्ट है ये इसका अभी रिसेंटली लॉन्च न्यूअर वर्जन है। और कैसे बात चलेगा वो मैं आपको बताऊँगा आगे कि वीडियो में कि आपका प्रोडक्ट ये कैसे न्यू वर्जन है कि ओल्ड वर्जन। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो में पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग ये बार पे वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। सो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ये है अमेज़फिट GT S2 जो कि अमेज़फिट की तरफ से आता है। और ये इसका न्यूअर वर्जन है। तो न्यूअर वर्जन कैसे है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसका मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट है वो है अप्रैल 2022, यानी ये 2 अप्रैल 2022 में ये इंपोर्ट किया गया, यानी न्यू वर्जन है। और जो इसका जो प्राइस है वो मुझे मिला है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका स्टिकर है यानी इसका बारकोड है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्पेस ब्लैक न्यू वर्जन भी लिखा हुआ है GT S2 का, यानी कि ये न्यू वर्जन है। और ये जो है एक्चुअल वर्जन से ₹1000 सस्ता है, यानी 11999 का मिलता है। और जो आपका ओरिजिनल वर्जन है वो 12999 का मिलता है। तो ये देखते हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बॉक्स देख सकते हैं, इसमें पीछे में कुछ थोड़ा सा कुछ इसका दिया हुआ, जैसे ब्लूटूथ फोन कॉल, लॉन्ग बैटरी लाइफ, म्यूजिक स्टोरेज, ऑल अराउंड फिटनेस ट्रैकिंग, बस ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं ये इसका वॉच है। और यहाँ एक्चुअली में ये इस पर स्टिकर लगाया हुआ है, तो हम लोग स्टिकर को पहले निकालते हैं और करते हैं। ओके, तो ये इसका वॉच है, थोड़ा सा देख लिए, वॉच को साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ आइटम्स है, देखते क्या क्या है। तो एक साइड में इसमें मिलता है आपको ये चार्जिंग केबल जो कि काफ़ी अच्छे की तरीके से पैक किया हुआ है। और इसमें एक तरफ है ये आपका, एक मिनट यहाँ पर है, कैसे निकलेगा ये, और इधर से निकलता है। ओके, तो जैसा कि ये देख सकते हैं ये इसका चार्जर था, और ये जो चार्जर है आपका यहाँ पर कहीं पर फिट होता है। अब ये देखेंगे कहाँ पर फिट होता है थोड़ा देर में। और ये तो खाली हो गया बॉक्स, अब इधर दूसरा साइड बॉक्स में देखते क्या है। एक ओके, इसमें और कुछ नहीं है। तो ये छोटा सा, अरे बप्पा इतना छोटा सा एक बुकलेट दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग साइड में था, किसका काम नहीं है। बस इतना ही चीज़ था। अब हम लोग इसमें देखेंगे ये जो वॉच है ये कैसा है। तो वॉच पे आते तो इसका जो ये बैंड स्ट्रैप देखते हैं, वॉच स्ट्रैप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी है। जो ये आप देख सकते हैं जो ब्रेडेड स्ट्रैप है इसमें ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी रहता है। जो आपका पसीना आता है हाथ में वो डायरेक्ट इसमें लगेगा नहीं, और इधर भी आपका स्मूथ है। और यहाँ पर पूरा आपका एक रफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी रफ फिनिश दिया हुआ है, जिसके कारण जो है पसीना ये सब यहाँ पर चढ़ेगा नहीं, और आपका क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा स्ट्रैप का। और यहाँ पर साइड में आपको ये क्राउन बटन दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये आपको एक रेक्टेंगल शेप में है। तो चलिए हम लोग इसको इसका स्क्रीन को हटाते हैं, तो पूरा स्क्रीन आप देख सकते हैं काफ़ी सही स्क्रीन है। और GT S2 और GT R2 में कहा जाता है कि जो इसका स्क्रीन है ये GT S2 से थोड़ा बड़ा है डायगनली टेक्निकली। तो हम लोग इसको ऑन करते हैं। ओके, तो अभी हम इसको जो है स्कैन करके
ये इसको सेटअप करते हैं, और सेटअप करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आगे का इसका प्रोसेस है, क्या है सब चीज़ का स्पेसिफिकेशन, सब चीज़ मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। ओके एवरीवन, सो अब हम लोग यहाँ पर इसको सेटअप कर लिए, और इसको सेटअप करने के लिए जो आपको ऐप डाउनलोड करना है वो होता है आपका ZEPP जेप ऐप। और इसको हम लोग यहाँ पर उस ऐप को सेटअप कर लिए थे, अब हम लोग करेंगे वॉइस को कनेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग प्लस साइन पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर वॉच पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो और वॉच को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग लोकेशन सब इनेबल कर देते हैं। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, वॉच विद क्यूआर कोड और वॉच विदाउट क्यूआर कोड। तो हम लोग क्यूआर कोड ऑलरेडी है, तो हम लोग को थोड़ा ब्लूटूथ इसे ऑन करना रहेगा, और हम लोग को इसको स्कैन करना रहेगा। और ये जो है वन पेयरिंग ले लिया है, हम लोग जो वॉच है वो अपने इसके क्लोज में रखना है, देख कितना जल्दी पेयरिंग लेता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का वॉच में एक पेयरिंग रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो हम लोग को इसको यहाँ से भी एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाके जो है हम लोग का पेयर होगा। और यहाँ पर कुछ ये पेयरिंग ले रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बारे में कुछ कुछ बताया हुआ है कि यहाँ पर कैसे है। यहाँ पर जैसे कि डाउन करने पर जो है आपका कंट्रोल सेंटर खुलेगा, स्वाइप अप करने पर जो है नोटिफिकेशन सेंटर खुलेगा। अगर हम लोग वॉच फेस चेंज करना है, अगर हम लोग राइट स्वाइप करेंगे तो क्विक एक्सेस मेन्यू, और अगर शॉर्टकट कार्ड्स के लिए हम लोग को लेफ्ट साइड स्वाइप करना रहेगा। और कुछ भी ऑफ भी है तो हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे ये यह हो चुका है, आप कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे कि वॉच सेटिंग्स है, डिस्प्ले ब्राइटनेस है, साउंड वाइब्रेशन है, और यहाँ पर जो है GPS अपडेट, जो GPS है वो अपडेट हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही अपडेट होता है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस वॉच में जो है आपको इनबिल्ट GPS मिलता है। और यहाँ पर कुछ आपको ऐप सेटिंग्स है, फोन म्यूजिक, यहाँ पर से हम लोग डायरेक्ट म्यूजिक अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि इसके लिए कलर्स पूरा वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे जो है इसमें म्यूजिक को अपलोड कर सकते हो, और डायरेक्टली इससे ही वॉच से कनेक्ट करके आप म्यूजिक कैसे सुन सकते हैं। तो मैं उसके लिए पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा वॉच फेसेस है, तो अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा वाईफाई नहीं चल रहा क्योंकि लाइट जो है वो कट चुका था, से भी थोड़ा वाईफाई नहीं चल रहा, बट फिर भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी वॉच फेसेस आए हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जो है बहुत सारा वॉच फेसेस को यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली अपना वॉच में लगा सकते हैं। तो ये तो था इसका कुछ सिस्टम अपडेट, कुछ जो फीचर्स है ये सब है। अब हम लोग आते हैं वॉच पे कि इसका वॉच एक्चुअली में है कैसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तो इसमें ब्राइटनेस बहुत कम किया हुआ है, तो पीछे में देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ सेंसर्स दिए, जैसे ये सब चार सेंसर्स है, और यहीं पर आपको ये इसको चार्ज करने का है। तो देखिए आपको कैसे चार्ज होता है मैं दिखाता हूँ। तो वायर निकाल लिए, अभी लाइट कटा हुआ है, कोई बात नहीं अभी नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा दिन दिखाता हूँ। और ये जो है आपका, ये जो है आपको यहाँ पर इसको आपको ऐसे लगाना है, ये आपको ऐसे लग जाएगा, और आप इसको जो है कोई भी एक नॉर्मल अडेप्टर में यूज़ कर सकते हैं आराम से चार्ज करने के लिए। आप इसको पहन के भी आराम से, ना निकालने का झंझट ना कुछ, डायरेक्ट ऐसे ही चार्ज में लगा लीजिए। ये हो गया एक तरीका, और चार्जिंग का दिक्कत ये हो गया तरीका। और इसका अब बात कर लेते हैं इसका कुछ स्क्रीन साइज के बारे में, और इसका इसमें कितना बैटरी है वो सब के बारे में। ऑलराइट, तो आपको ये वॉच में जो है जो इसका आपको डिस्प्ले है
वो आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और इसका जो साइज है वो आपको 1.65 इंच का है, जो ये आप डायगोनली साइज देख रहे हैं वो आपको 1.65 इंच का है, और इसका रेजुलेशन जो है वो 348 × 442 PPI का दिया हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा दाग लग गया है, वो भी फिंगरप्रिंट के कारण दाग लगा है, तो इसको तो हम हटा लेंगे। और इसका जो बैटरी है वो करीब करीब 246 mAh का बैटरी इसमें मिला है, प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको इजीली 7 डेज नॉर्मल यूसेज पे चलता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ करते हैं तो आपको 3 to 4 डेज तक आराम से खींच देता है, जो कि एक इस प्राइस में बैट के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि आपको इसमें म्यूजिक स्टोरेज सब चीज़ मिलता है, जिससे आप म्यूजिक डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और ये करीब इसको चार्ज करने में जो है दो आवर्स का टाइम लगता है, और जो इसका जो ये देख रहे हैं जो इसका विड्थ है, ये आपका 20 mm का विड्थ दिया हुआ है, साइड में आपको यहाँ पर साइड में जो है आपको यहाँ पर ये स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है, जिसके की आवाज़ आपका आ सकता है, और ये आपको इस साइड में ये क्राउन बटन्स भी दिए हुए हैं, और यहाँ से जो है आप इसको निकाल के आप कोई दूसरा स्ट्रैप भी लगा सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट दिया हुआ है, और ये जो है आपको एंड्रॉयड 5 और अबव और iOS 10 और अबव के डिवाइसेस में ये सपोर्ट करेगा। तो यही था इसका अनबॉक्सिंग। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो कि आपका GTS 2 का जो ओरिजिनल GTS 2 है उसमें नहीं है और इसमें है, तो उतना कुछ खास नहीं है इसमें, थोड़ा सा जो आपको इसमें वॉच फेसेस मिलते हैं, एक मिनट इसका मेन्यू कहाँ से ओपन होगा, तो यहाँ से इसका मेन्यू ओपन होता है इसको बटन प्रेस करने पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्टिविटी गोल, म्यूजिक, वेदर, अलार्म, इवेंट्स, सेटिंग्स, यहाँ पर वॉच फेस सेटिंग्स, नेटवर्क कनेक्शन, यहाँ से आप इसको ब्लूटूथ एयरप्लेन मोड सब फिक्स कर सकते हैं, और बैक कीजिए तो डायरेक्ट फंड चल जाता है, आपको बैक करने के लिए इसको लेफ्ट स्वाइप या राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करना होगा, जैसे नॉर्मली आप फ़ोन में बैक करते हैं, और यहाँ से आप डिस्प्ले ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप AOD भी कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्क्रीन ऑन ड्यूरेशन जो है अभी बढ़ा सकते हैं, अभी मुझे 20 सेकेंड्स कर देते हैं, और ऐसा ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं कुछ ब्राइटनेस इफेक्ट क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है भाई, थोड़ा कम कर लो ब्राइटनेस, और भी आप बहुत से और सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि यूजर प्रेफरेंसेस, साउंड एंड वाइब्रेशन है, फिर आप यहाँ इसमें जो है आपको जो वॉच फेसेस दिए हुए हैं वो आप वॉच फेसेस को थोड़ा ज़्यादा दिए हुए, यानी करीब करीब इसमें अराउंड 90 वॉच फेसेस दिए हुए, जो कि आपका GTS 2 में अराउंड 60 वॉच फेसेस थे, और फिर इसमें जो है जो आपका ये सब वर्कआउट मोड्स है, वो आपका थोड़ा ज़्यादा मोड्स दिए हुए, यानी जो इसमें पुराने वाले में है वो थोड़े कम थे, यानी अराउंड 30 थे, इसमें अराउंड 60 वॉट स्पोर्ट्स मोड दिए हुए, और आप मोर में जाके हैं और भी स्पोर्ट मोड्स को यहाँ पर मेन लिस्ट में ला सकते हैं, और आप यहाँ पर से चाहे तो आप जो है स्पोर्ट मोड्स को वो भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ में जाके, अभी तो कुछ एक्टिविटी किया नहीं तो एक्टिविटी यहाँ पर है नहीं, तो ओवरऑल GTS 2 और GTS 2 न्यू वर्जन बेसिकली ये लाया गया है, बस थोड़ा सा रिब्रांडिंग किया कर दिया गया, रिब्रांडिंग नहीं थोड़ा सा रीब्रांडिंग कर दिया गया इसको कि न्यू वर्जन है, बस प्राइस कम कर दिए है, एक दो छोटा मोटा ट्विक इधर उधर ट्विक कर दिए, और वापस से इसको लिया है, ऑलरेडी ये पहले से पॉपुलर काफ़ी था, क्योंकि GTS 2 जो है वन ऑफ द मोस्ट सेल सोल्ड डिवाइसेस है Amazfit सीरीज का, तो उन्होंने बस कुछ किया नहीं, बस थोड़ा सा इधर उधर कुछ चेंजिंग, इधर ट्विक्स उधर ट्विक्स करके प्राइस कम करके फिर से न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया गया। आप चाहे तो अगर आप लोग को थोड़ा सा प्राइस कम में लेना है तो आप डेफिनेटली जाइए इसको बाय कीजिएगा Amazfit GTS 2, और इसी के साथ जो है हम लोग आज का GTS 2 का ये ब्लॉग ये सॉरी वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो।
मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोग बताऊंगा कि इसमें GTA 2 में जो है आप लोग म्यूजिक को कैसे इसमें डाल सकते हैं वॉच में, क्योंकि इसमें 3G अप टू 3 GB तक का जो है वो स्टोरेज दिया हुआ है, और इसको आप कैसे जो है वो प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली बिना अपना फ़ोन को यूज़ किए हुए। तो उसका वीडियो का जल्दी से इंतजार कीजिएगा, मैं जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।